जाइए भाई लोग, आप घर जाइए, छुट्टी आप लोग की। घर पे सबको हमारा हाय बोलना जरूर, भूलना नहीं। क्यों, आखिर क्यों लड़ ली हम चौटाला से, जब उनके बगैर हम एक दिन भी नहीं रह सकते। दिल जले। काश हम उनके साथ चले जाते यार, काश वो हमारे पास यहाँ आ जाती। सर मैं आ गई। हम जानते थे कि आपके दिल में वही हो रहा होगा जो हमारे दिल में हो रहा है। आप भी हमें मिस कर रहे होंगे ना। हम भी आपको बड़े मिस कर रहे थे। आई मिस्ड यू, आई मिस्ड यू। ये क्या बदतमीजी है? अरे क्या बदतमीजी है, ये क्या बदतमीजी है? सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कर तो तुम रहे हो, अपने सीनियर से कोई इस तरह लिपटता झिपटता है? अरे हम तो तुम्हें बहुत शरीफ इंस्पेक्टर समझते थे। सर है, हम शरीफ है, बहुत शरीफ है। हम किसी से भी पूछ सकते हैं, हम कितने, कोई है नहीं, अगर कोई होता तो उससे पूछ सकते हैं हम कितने शरीफ है, हम बड़े शरीफ है हम। सर हमने आपसे क्या कहा? हमने आपसे यही कहा ना कि आई मिस यू, आई मिस यू सर। आपको देखकर हमें अपने डैडी की याद आती है। और आप एक चौकी में आते भी कम है ना सर, गलत बात है। आप कम आते तो इसलिए हम आपको बड़े मिस करते हैं सर। आप मिस यू सो मच, आप हमें अपने डैडी की तरह मानते हैं। आई एम रियली सॉरी इंस्पेक्टर बजरंग, हमने आपको गलत समझा, आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके सर, रोइए मत। पर चौकी में इतना सन्नाटा क्यों है आज? सन्नाटा यू है सर क्योंकि मिस चौटाला गोपी और गुलगुले के साथ लालूगंज गई हुई है वो केस सॉल्व करने के लिए। और हमें लगता है सर हमें भी वहाँ जाना चाहिए। क्यों, हमें क्यों जाना चाहिए? सर उन्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ सकती है ना, हैं? तो मैं तो कहता हूँ कि आप भी चलिए। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम एक बार आपके साथ वो गुमनाम एक्सप्रेस में जा चुके हैं, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे हम लोग। हाँ बस। नहीं सर, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम ड्यूटी करेंगे और आप मजे करिए, ऐश करना, छुट्टी मनाना आप। हम छुट्टी बनाएंगे, ये अच्छा है। वाकई में ये तो बहुत ही बढ़िया। हाँ हम छुट्टी बनाएंगे, तो ठीक है हम कल ही चलते हैं लल्लूगंज। सर मैडम, कमाल कर दिया आपने हल चला के। अरे आप नौटंकी वाली बनकर आ गई हमारे गांव में हल चला के, अरे वाह। सच मैडम, आपने हम गरीबों के लिए जो भी किया है वो कौन करता है आज के जमाने में। हाँ तो ठीक है ना, हमने आपके लिए कुछ किया, अब आपकी बारी है, आप हमारे लिए कुछ कीजिए। मतलब कुछ बढ़िया खाने वाने के लिए बनाइए, जैसे कि बैगन का भरता, जैसे कि मेवे की खीर, दाल बाटी। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर बोली है। अरे मैडम मैं इनको शुक्रिया अदा करने का एक मौका दे रहा हूँ बस। वेल तुम लोगों को इंसाफ मिलेगा, श्योर शॉट इज द, मम्मी जी लगाएंगी ठाकुर की वाट इज द। मैडम कल भी उस ठाकुर के बेटे ने इस बिल्ली को छेड़ा प्यार से। तू टेंशन ना ले, ईब मैं आ गई हूँ ना, ईब इस गांव में कोई किसी छोरी ने ना छेड़ेगा। सर ये क्या हुआ? कुछ नहीं, गाड़ी बंद हो गई, धक्का लगाना पड़ेगा। सर आप भी ना सर, क्या ये खटारी गाड़ी लेकर आ गए, 1920 की, ब्रिटिश के जमाने की। आप कमिश्नर है, आप तो सरकारी गाड़ी लेकर आ सकते थे ना ऐसे। देखो मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ और छुट्टी पे सरकारी चीज यूज नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं अपनी गाड़ी लेके आया हूँ। और मेरी गाड़ी किसी प्लेन से कम नहीं है। अच्छा प्लेन से कम नहीं सर, लेकिन ज्यादा जोर से करता ना हमें डर है कि हाथ में ना आ जाए हमारी। कोई बात नहीं, देखो 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 शुरू हो जाएगी, देखते सर देखो। हाँ देखो देखो देखो। सर ये कौन सी सदी की गाड़ी है? सर ये क्या? लगता गाड़ी जल गई। गाड़ी जल गई? तो ये जलते रहती है क्या? हाँ पहले भी बहुत दफा जल चुकी है। सर ये कैसी खटारी गाड़ी लेकर आ गए सर? मेरी गाड़ी को खटारा मत बोलना।
सर भाई आया सर, गाड़ी फूट सकती है, निकलना है तो निकल लो। भाई साहब कैसे आप, सब ठीक तो है ना? बिल्कुल। अच्छा आप क्या उस तरफ जा रहे हैं? हाँ। पटाना पड़ता है सर, करिए आप भी करिए। चले चलिए सर, चले। मैडम उस ठाकुर ने हम गांव वालों से अंगूठे लगवा के सारे कागज बंद कर लिए अपनी तिजोरी में आज के जमाने में। लेकिन मैडम उस तिजोरी तक पहुंचना बड़ा ही मुश्किल है हल चला के, क्योंकि वो तिजोरी जो है ना वो ठाकुर की हवेली में है, और वहां से वो कागज निकालना मतलब शेर के मुंह से शिकार निकालना जितना मुश्किल है हल चला के। ओ, 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 ओ। एक तो हम यहाँ पर आपकी मदद करने आए हैं और आप हमें ही डरा रहे हैं। डरा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं प्यार से। मौका आने दो, बहुत जल्द तिजोरी पर झाड़ू फिर जाएगा। Well, जैसे ही मिलेगा मौका इज़दा, मम्मी जी मारेंगे चौका इज़दा। फिर उसके बाद सिक्सर इज़दा, मेरी बीवी ने मंगाया है मिक्सर इज़दा। हाँ भाई ऐसा है, गांव वालों अपने अपने काम को निकलो, और यहाँ से जो है ना कुछ आवाजें आएंगी आड़ी टेढ़ी सी दर्द भरी, उन्हें जरा नजरअंदाज कर देना, आना मत वापस। चलो भाई ठीक है चलो। हमें तो आदत है, लाइए जरा दिखाइए। अरे गोपी, आपकी शादी तो नहीं हुई ना? खिचड़ी तैयार है। नॉट ए टॉल इज द, जयपुर में बन गया है नया मॉल इज द। सच? अच्छा एक बात तो बताइए, शहर में आपका किसी से लप्पा चप्पा तो नहीं? खिचड़ी तैयार है। नॉट ए टॉल इज द, साड़ी में लगता है फॉल इज द। सच? हाय दैया, शहरी बाबू तब तो आप शहर से हमारे गांव हमारे लिए ही आए हैं। सच, खिचड़ी तैयार है। ओया कैरी ऑन। जैसे मौका ना, आराम से छोटे ठाकुर, पानी में ना बड़े बड़े मगरमच्छ भी हैं खींच तान की। अरे बापू वो थम्मक तलो ना, तमाल थी ततीली नतनिया है। हाँ बने ठाकुर, वो ऐसा मारती है ठुमका की क्या बताएं तुमका खींच तान के। अरे बातों से क्या होता, चला बापू को थम्मक तलो की तरह तमल मटका के दिखा। बने ठाकुर उसने पहले ऐसे किया और फिर ऐसे किया, ऐसे किया। पान में बने ठाकुर ऐसे ऐसे। अरे वाह बेटा वाह, अरे ये तो बिल्कुल अपनी अम्मा पे गया है और ऐसा मटक रहा है, देखो कल रात बीबी ने पीटा। अरे मालिक उस नौटंकी वाली की जो है चर्चा हमने भी सुना है, कल रात बीबी ने पीटा है। वो तो ठीक है, पर हमारे बुलाने पर भी वो हवेली आई क्यों नहीं, झिंगुर झंझन आ गया। अरे मालिक, अरे आप बुलावें और कोई आवे ना, अरे ऐसा कोई गांव में है ही नहीं। कल रात बीबी ने पीटा था, ये देख वो लोग, ये वो लोग आ गए, ये देख वो देखो। अरे आ गए आ गए आ गए भाई, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। अरे भाई संदेश मिला के ठाकुर साहब ने बुलाया है, इसीलिए चम्मक छल्लो नौटंकी ग्रुप यहाँ आया है। अब हम यही नौटंकी दिखाएंगे जिसकी है अमर कहानी, ये है चम्मक छल्लो नौटंकी की रानी।
ठाकुर साहब को सलाम पेश है। हम तो आपके मेहमान, ये आपका गांव, आपका देश है। और अब चम्मक छल्लो आपको दिखाएगी अपने लटके झटके और ठुमके। अरे हाँ हाँ, अरे ठाकुर साहब को ऐसा नाच दिखाना कि खुश हो जाएं और दें बड़ा सा नजराना। तो अब देर किस बात की, जल्दी करो शुरुआत, पूरी रात करेंगे नौटंकी, नाचेंगे सारी रात। तो ठीक है, चढ़ती जब। अरे रुको 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 रुको, तुम नाच नहीं सकती, ये तो करिश्मा है। अरे बापू, ये थम्मक तल्लो है, तलिश्मा नहीं है। तो चुप कर, ये करिश्मा है। तुम नहीं नाचोगी तुम। बापू जय नहीं नाते की तो था, आप नाचोगे फिर। अरे चुप कर गधे। गांधी गांधी गांधी। अरे तू भी चुप कर बंदर। ये नहीं नाचेगी, तुम नहीं नाचोगी, नहीं नहीं नाचोगी तुम। हाँ। अरे ठाकुर साहब, मैं नौटंकी वाली हूँ और नौटंकी वाली का तो काम ही होता है नाचना गाना, और बिना नाचे गाए नौटंकी कैसे होगी? क्यों? तुम नौटंकी वाली नहीं, तुम नौटंकी वाली नहीं हो, बल्कि तुम हो पूनम, हो पूनम। पूनम ढिल्लो, ये पूनम सिंह, हमारी बहन पूनम सिंह, ठाकुर खानदान की बेटी पूनम सिंह। तुम पूनम सिंह हो? हाँ। के? क्या? नहीं नहीं ठाकुर साहब, आपको तो कोई गलत फहमी हो रही है। अरे मेरा नाम है चम्मक छल्लो और मैं तो अपने अम्मा बापू की बेटी हूँ जो बन जा रहे हैं, और मैं नौटंकी वाली। हाँ, आपको कुछ गलती लगी है। तुम नौटंकी वाली हो इस जन्म में, तुम्हारा नाम चम्मक छल्लो है इस जन्म में, पिछले जन्म में तुम हमारी बहन थी पूनम सिंह, ठाकुर खानदान की बेटी पूनम सिंह थी तुम, तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है तुम्हारा। हाँ, पुनर्जन्म हुआ है तुम्हारा। पुनर्जन्म? हाँ पुनर्जन्म। पूनम, पूनम तुम हमारी बहन हो पूनम। मुनीम जी मन, मुनीम तुम अपनी मेंढक जैसी आंखों से इसे देखो और बोलो बोलो कि ये हमारी बहन पूनम सिंह है कि नहीं। देखो जी, देखो जी मन। अरे मालिक, ये तो चमत्कार हो गया है। हाँ, कल रात बीबी ने पीटा था। अरे मालिक, ये तो पूनम बिटिया है। नहीं। अरे आपकी बहन जो कई साल पहले मर गई थी।